यस हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। स्वागत आप सभी का क्रेजी फोर फिजिक्स में। सो भाई, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे फिजिक्स का एकदम इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। जी हाँ, तो इससे पिछले वाली वीडियो में जितना भी अभी तक हमने किया था, हमने बिना किरचॉफ्स लॉ के अप्लाई किया था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम किरचॉफ्स लॉ को यूज कर रहे थे। अब जो हम करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, थोड़ा सर्किट बड़ा होगा और कई सारे लूप, मैश, जंक्शन वगैरह ये सब फलाना ढिंकाना आएंगे ही आएंगे सर्किट के अंदर। तो भाई इसमें हमें यस हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में। और आज की जो वीडियो है वो है किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 3, यानी लेक्चर 7। ये 6 लेक्चर में ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं विद न्यूमेरिकल्स, और बहुत ही ऑथेंटिक हाईली वैल्यूएबल न्यूमेरिकल्स है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम, जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो सब उससे आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है एकदम नया लॉ, नई चीज, नए कॉन्सेप्ट, यानी किरचॉफ्स लॉ। जी हाँ, देखिए हमने कई सारे सर्किट डायग्राम सर्किट को सॉल्व किया है, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिनमें हमें करेंट निकालना, पोटेंशियल निकालना, नॉर्मल लाइक जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर ओम्स लॉ, वैसे है तो ओम्स लॉ ही, लेकिन नॉर्मली ओम्स लॉ लगा के हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करना। तो यानी इसी का इलाज हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स एक तरह से साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिजिसिस्ट थे किरचॉफ्स, जो थे ऑफ कोर्स, उन्हीं के ऑनर पे उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, और ये ओम्स लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट है। जी हाँ, आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, बस ओम्स लॉ का एक तरह से आगे विस्तारित रूप देखने वाले उसके अंदर, यानी ओम्स लॉ को ही डीप में या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ओम्स लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हो, वही यहीं पे हमारा किरचॉफ्स लॉ आता है। तो भाई इसके मेनली दो लॉ हैं, ठीक है, केसीएल केवीएल, केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, या आप इसे बोलते हो किरचॉफ्स लूप लॉ हो गया, जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, ठीक है। तो ये इसके दो तीन नाम है, ठीक है, और चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में है क्या इस लॉ के बारे में, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना इस कॉन्सेप्ट को समझना अधूरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लॉ है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स, तो इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है, बच्चे अक्सर इसको किरचॉफ्स लॉ की स्पेलिंग भी याद नहीं होती है, इट्स अ वेरी ऑड स्पेलिंग, डबल एच डबल एफ आता है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं भाई, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसके भाई दो तीन नाम और हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको हम, क्यों बोलते हैं ये सब हम सीखेंगे भाई, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ भी इसको हम पढ़ते हैं। तो भाई इसके तीन नाम हो गए, ठीक है, इसको हम केसीएल भी शॉर्ट में बोल देते हैं, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो भाई पहले लॉ में है क्या, ठीक है, और इस लॉ को समझने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये देखिए, किरचॉफ्स लॉ में जो हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाई वी यूज किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, एंड व्हेन वी विल यूज दिस लॉ, हम इस लॉ का क्यों यूज करते हैं और हमें इस लॉ को कब यूज करना चाहिए। देखो, अगर मान लो कोई आपके पास एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का प्रॉब्लम है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, और उसमें आप डायरेक्टली ओम्स लॉ को यूज नहीं कर पा रहे हो, देन इन दैट केस आपको किरचॉफ्स लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है तब यूज किया जाता है, ठीक है, जब हमारे पास कुछ इस तरीके की सर्किट गिवन हो, लाइक जैसे मैंने एक सर्किट ये वाला बना दिया, ये मैंने एक सर्किट बना दिया है, यहां पे ये रेजिस्टेंस आर बना दिया, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का सर्किट है, आप देखो इस वाले आर्म में
ओम्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है, ठीक है, हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव करंट, और इवन दो, ठीक है, टोटल यहाँ पे इसका जो क्या कहते हैं करंट, इसके अंदर करंट हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट जा रहा है, ठीक है, वो अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, देन इन दिस केस आपको क्या करना होगा, किरचॉफ्स लॉ यूज करना पड़ेगा, या आपके पास ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा है, इस तरह सर्किट दे दिया, ठीक है, यहां पे ये डाल दिया एक और अनादर, ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे तरीके के सर्किट जो होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आप यूज कर सकते हो बिना किरचॉफ्स लॉ के, लेकिन इससे थोड़ा एनालिसिस और जो क्वेश्चन करने का जो जो जब हम करेंट या पोटेंशियल हम निकालते हैं तो इस आप आसानी से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि किरचॉफ्स लॉ जनरली कॉम्प्लिकेटेड, यानी कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट होती है, ठीक है, उनमें अप्लाई किया जाता है, और ये भाई ओम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड हिस्सा है, ठीक है, ओम्स लॉ का क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट आप कह सकते हो। तो ओम्स लॉ को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया है इस लॉ में। अब यहाँ पे बच्चों कुछ डेफिनेशन आपको, यानी कुछ टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए इससे जुड़ी हुई। जैसे सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है जंक्शन, यानी जंक्शन क्या होता है, जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वह जंक्शन की। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक्चुअली में वो पार्ट होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मीट कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे जॉइंट बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज द जंक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो तीन कंडक्टर है, एक ये वाला कंडक्टर, एक ये कंडक्टर और एक नीचे से कंडक्टर, यहां पे तीन कंडक्टर आके मीट कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि इस जंक्शन पे जो करंट है तीन डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहां जा रहा है, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट इस वाले आर्म में जाएगा, ठीक है। तो पहला तो हो गया जंक्शन, जंक्शन इज अ पॉइंट, ठीक है, वेयर टू और थ्री करंट आर मीटिंग और वेयर टू और थ्री कंडक्टर्स मीट, ओके, यानी यहां पे दो या तीन तारों को जोड़ दिया जाता है, दो या तीन जॉइंट लगा देते हैं ना, कई बार घरों में होता है कि भाई अलग अलग तार निकले पड़े, उनको ऐसे जोड़ दिया आपस में, तो सारे क्या है, वो सारे जो अलग अलग तार आप देख रहे हो जो एक पॉइंट पे जुड़े पड़े हैं, वो जो पॉइंट है जहां पे तार को जोड़ा जा रहा है वो क्या है, जंक्शन है, ठीक है। अब इस जंक्शन पे जो होता है करंट डिवाइड हो जाता है कई डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पे दूसरा जो होता है लूप बोलते हैं उसको हम, दूसरा क्या है, लूप, लूप या इसको हम बोलते हैं मैश, ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है, जिसमें पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो दो लूप है, एक तो ये वाला है, ये ऊपर एक खाना दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और एक नीचे इस तरीके से एक लूप बन रहा है ना, लूप का मतलब कंपार्टमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लूप या इसको मैश बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लूप है आपके पास, एक लूप ये वाला है, एक लूप ये हो गया, इसी में इस प्रकार तीन लूप है, एक ये वाला लूप है, एक ये लूप है, एक ये लूप है, जो क्लोज्ड पाथ है पूरा का पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो बच्चे, ये वाला, ये पूरा हिस्सा क्लोज लूप में आता है, इसमें ये वाला क्लोज लूप है, इसमें एक क्लोज लूप है, इसमें एक क्लोज लूप है, ठीक है। तो दूसरा तो हो गया लूप और मैश। तीसरा जो इसके अंदर है डेट इज द ब्रांचेस, ब्रांच की हम बात कर रहे हैं या आर्म बोलते हैं उसको। ब्रांच का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ये पूरी की पूरी एक सिंगल ब्रांच है और इसमें करंट आई वन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ब्रांच इसमें ये वाला पूरा एक ब्रांच है, इसमें करंट आई टू फ्लो कर रहा है, ये वाला एक थर्ड ब्रांच हो गया जिसमें करंट आई थ्री फ्लो कर रहा है। तो ब्रांच का मतलब हो गया कि एक ऐसा आर्म जिसमें क्या कहते हैं करंट, डिफरेंट करंट फ्लो करे, ठीक है। यानी जैसे इसमें तीन ब्रांच हो गया, एक दो और तीन, राइट। देखो अगर एक सिंगल गली है ना और सिंगल गली बस मुड़ रही है इस तरीके से, तो इसे सिंगल पाथ ही बोलेंगे, ये दो रास्ते नहीं हो गए, यहाँ पे रास्ता एक ही है। हाँ, अगर यहां से एक रास्ता इधर जाता तो हम कहते हैं कि भाई ये जो गली है दो रास्ते में डिवाइड हो जाए आगे जाके, है ना, ये जो गली है या ये जो रास्ता है दो रास्ते में आगे जाके डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि जहां जिस पॉइंट पे आके ये रास्ता डिवाइड हो रहा है उसे हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन भी एक जंक्शन ही तो है, यहाँ पे सारी जगह से ट्रेन आके मीट करती है और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्टेट्स में ट्रेन चली जाती है, राइट। तो ऐसे ही भाई करंट होता है, करंट क्या करता है, एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं फिर वो अलग अलग रास्ते पे
मूव कर जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। तो यानी इसे हम बोलते हैं जंक्शन। तो भाई कुछ पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जंक्शन, मैश, लूप, ब्रांचेस होता क्या है। कई बार इन टर्मिनोलॉजी को हम सीखते नहीं है, हम इनको समझते नहीं है और क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं, फिर बहुत सारी ब्लर्डनेस रहती दिमाग के अंदर। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब अपने वापस लॉ पे आ जाते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का भी यूज करना बेटा जब एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, ठीक है। अगर सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व हो जा रहा है, नॉर्मल जो रूल्स आप फॉलो करते हो, अगर उसे सॉल्व हो गया तो जरूरत ही नहीं किरचॉफ्स लॉ लगाने की। लेकिन बेटा एग्जाम में ना, सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, एग्जाम में स्पेशली बोला जाता है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो लॉ है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। इसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, यानी कि केसीएल बोला जाता है बेटा इसको, ठीक है। अब होता क्या है इस लॉ में सर जी, ये समझा दो। देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है, टोटल करंट, इस वर्ड को पकड़ना बेटा, टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन, मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो सारे कंडक्टर एक पॉइंट पे आके जुड़े हुए हैं, तो उस पॉइंट पे आने के बाद जो टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा सर सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं, चलो बना के दिखाते हैं। अब ये मान लो मेरे पास इस तरीके से है, मान लो इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां पे करंट I2 है, यहां पे I3 है और यहां पे I4। तो यहां पे आपके पास, यहां पे जो सर्किट मैंने बनाया है पे, यहां पे चार कंडक्टर है, फोर कंडक्टर है। ये कंडक्टर वन हो गया, ये टू हो गया, ये कंडक्टर थ्री और ये कंडक्टर फोर, राइट। अब ये चारों के चारों कंडक्टर इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, जंक्शन। तो जंक्शन एक पॉइंट है बेटा जहां पे सारे करंट या बहुत सारे कंडक्टर जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, ओके। तो इस पॉइंट पे आके सारे करंट क्या करेंगे, मीट करेंगे। यानी कुछ करंट इसकी तरफ आ रहे हैं, इस जंक्शन की तरफ कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट इस जंक्शन से दूर भी जा रहा है ना। सम करंट आर कमिंग टू द जंक्शन एंड सम करंट आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, राइट। तो यानी कि जो किरचॉफ्स का पहला लॉ है, इसे जंक्शन लॉ इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि बेटा सारा जो करंट जिस पॉइंट पे आके मीट करता है वहां पे करंट क्या हो जाता है, टोटल जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये करंट से जुड़ा ही लॉ है, ठीक है। इसको ये करंट के लिए ही है, इसके दो लॉ है, एक करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है, ये करंट लॉ है। अब इसको आप चाहो तो एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो स्टेटमेंट को, कैसे। तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन, क्या बेटा, एट द जंक्शन इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो। इन अनदर वर्ड आई कैन राइट दिस एज मैथमेटिक्स, सिग्मा आई आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सिग्मा आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इससे समझ क्या आ रहा है, सम करेंट आर कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन, सम करेंट आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। यानी कि टोटल इनकमिंग करेंट इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करेंट। आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी समझ सकते हो। तो एक और यहां पे मिल गया बेटा, पहले हम इसको देखते हैं। तो सिग्मा आई आई जो करेंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको लोग पॉजिटिव करेंट, ये थोड़ा साइन कन्वेंशन है,
कुछ साइन कन्वेंशन आपको याद करना पड़ेगा। जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा वो करंट होगा पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसको आप लोगे नेगेटिव। तो भाई इस पॉइंट पे जो टोटल करंट है I1 + I2, अब I1 और I2 मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों करंट कहां जा रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है। ये भी करंट कहां आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है। बेटा I3 और I4 दोनों करंट क्या कर रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो इसलिए इसे -I3 - I4 = 0। बात समझ आ रही है बेटा, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है टेकन एज नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया I1 + I2 = I3 + I4, है ना। I4 बोल रहा हूं, है ना, इट इज नॉट I4 बेटा। अब यहां पे देखो टोटल करंट कहां जा रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं इनकमिंग करंट। जो टोटल करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है दैट इज कॉल्ड इनकमिंग करंट, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है दैट इज आउटगोइंग करंट। तो भाई टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम समझेंगे इसको। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी याद रख सकते हो। तो किरचॉफ्स जंक्शन लो इसको भी समझा रहा है कि जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से जा भी रहा है, है ना भाई। जब सारी ट्रेनें अगर मान लो प्लेटफॉर्म पे आके रुक गई एक ही टाइम में, तो प्लेटफॉर्म तो भर जाएगा, ट्रेनें कोलाइड कर जाएंगी, तो ट्रेन तो अक्यूमुलेट होती नहीं है। हाँ हॉल्टिंग होती है वो बात अलग है, ट्रेन हॉल्ट करती निकल जाती है ना। तो ऐसे इनमें भी होता है बेटा, करंट आया और निकल गया। तो यानी कि इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब है कि द टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल टाइम और टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग द जंक्शन। तो जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही चार्ज जो है पर यूनिट टाइम में जंक्शन को क्या कर रहा है, लीव भी कर रहा है। ये हमने पढ़ा था जब हम करंट का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह जब कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में बता रहा था, तो उसमें भी हमने ये बात सीखी थी कि देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि जो जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव भी करेगा, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जो पहला लो है, पहला लो करंट लो, ये किस पे बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन या बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या है बेटा, फॉर द स्टेडी करंट, स्टेडी करंट का मतलब जब करंट एक कॉन्स्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फॉर द स्टेडी करंट, ठीक है, देर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। अक्यूमुलेशन का मतलब यानी स्टेडी करंट के लिए किसी भी जंक्शन यानी पॉइंट पर चार्ज इकट्ठे नहीं होते हैं, चार्ज रुकते नहीं है, एंटर किया निकल लिया, ठीक है, नो हॉल्टिंग प्रोसेस, ओके, नो हॉल्टिंग प्रोसेस। तो यानी कि आप इसमें लिख सकते हो देयर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन फॉर द स्टेडी करंट, है ना, फॉर द स्टेडी करंट, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, सो This is the point you have to remember. Simple सी definition है, the total current at the junction is zero. तो जो भी current junction की तरफ आ रहा है उसको आप positive लोगे, और जो current junction से दूर जा रहा है भाग रहा है उसको negative ले लोगे, minus कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा कई बार इसको solve करते करते हमारा current negative आ जाता है, अगर ऐसा आपका answer आ रहा है, जी हाँ current अगर negative आ जाए तो डरने की बात नहीं बेटा, current negative हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा,
उसका मतलब यह है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आपने डायरेक्शन ऑफ करंट गलत ले लिया है ना। वो बोलते हैं ना कि जब बैटरी चार्ज होती है या जब सेल चार्ज होता है तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो वो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि कुछ पॉइंट है, रिमेंबर दिस, द टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो, इसका मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो, यानी सिग्मा आई आई इक्वल टू जीरो, यानी कि आई वन प्लस आई टू दोनों करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं इसलिए इनको मैंने प्लस लिया, ठीक है। ये दोनों करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं इसलिए इनको मैंने नेगेटिव लिया, तो आई वन प्लस आई टू क्या हो गया आई थ्री प्लस आई फोर, सो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट हो जाएगा, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिकॉज इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द करंट देयर इज नो अक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। तो जितना चार्ज जंक्शन पे एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज क्या करेगा, जंक्शन को लीव भी करेगा, ठीक है। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। इस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, केवीएल, ये तो केसीएल हो गया है ना, क्या हो गया केसीएल हो गया। लेट कर लो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर हो गया, और आई डोंट नो व्हाट इज दिस करंट, और आपसे बोला जाए कि बताइए आई की वैल्यू क्या होगी, बताइए आई की वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि सिंपल सी बात है, टोटल करंट इस जंक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगा दो बेटा, 2 जमा में 3 दोनों करंट क्या हो रहा है जंक्शन की तरफ जा रहा है इसलिए टेकन पॉजिटिव, 4 माइनस में 4 और माइनस में आई बराबर जीरो, क्योंकि दोनों करंट क्या हो रहा है जंक्शन से दूर जा रहा है, क्या कर रहा है जंक्शन से दूर जा रहा है। तो 5 में से 4 गया 1 बराबर आई, तो भाई करंट आई कितना हो जाएगा इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आप बेटा इसको ऐसे भी देख सकते हो, टोटल इनकमिंग करंट 5 एम्पियर, टोटल आउटगोइंग करंट यहाँ पे 4 जमा में आई, तो आई कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, और जब 1 जुड़ेगा इसमें तभी तो 5 एम्पियर आएगा, तो भाई 5 एम्पियर आएगा 5 एम्पियर जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा, ठीक है। टेक इट टॉक। चलिए अब एक और एक एग्जांपल देते हैं आपको, सिंपल सा एक और ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से हो गया, और एक एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। फूल पत्तियां हैं इसमें तो सारी की सारी, ये हो गया 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, और यहां पे मुझे करंट नहीं पता, यहां पे मुझे करंट, ओके ऐसे करते हैं ऐसे। अब देखो जरा कैसे करेंगे इसको, सो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 2 4 6 6 और 5, 6 और 5 11 जमा में 2i बराबर 3, ऐसे हो गया ना। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग में केवल एक करंट आ रहा है, आई निकालना है इसके अंदर, तो यहाँ पे 2i क्या हो जाएगा 3 माइनस 11 यानी कि -8 एम्पियर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2 यानी 2 वहां जाकर डिवाइड हो गया तो -4 एम्पियर, यही तो होगा बेटा। अभी 4 एम्पियर का मतलब क्या है कि ये जो करंट है ये बेटा ऐसे जाना चाहिए था, है ना, ये करंट ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे नहीं था, ये करंट इस तरीके से जाएगा, राइट right? तब जाके क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा, जोड़ो जरा -4 -4, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया और -3 कितना हो गया 11, और 2 4 6 और 5 11, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका करंट नेगेटिव आता तो घबराना नहीं बेटा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए था, आपने उसकी डायरेक्शन गलत ले ली है, उल्टी डायरेक्शन ले लिया है, बस इतना ही है। तो यानी कि ये था हमारा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स का पहला लॉ है ये, कौन सा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं, अच्छा एग्जाम में कई बार आता है किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, बिकॉज द चार्जेस एट द जंक्शन डू नॉट अक्यूमुलेट। चलिए अब करते हैं सेकेंड लॉ की बात, सेकेंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या है, किरचॉफ्स का दूसरा नियम। बेटे इसके दो नाम और हैं, पहला नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ, लूप को हम मैश भी बोलते हैं, डांट मैश विद द लूप,
ठीक है, किरचॉफ्स लूप और मेश लॉ, और इसी का तीसरा नाम है बेटा किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलेंगे इसको हम? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि के वी एल। क्या बोलेंगे? के वी एल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसकी, अच्छा अच्छा एक पॉइंट और मैं, चलो मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू, इसके बाद बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लॉ कब अप्लाई करेंगे? पहला वाला लॉ तो हमें पता है कि भाई जंक्शन पे जहां भी करंट मीट कर रहा है वहां पे आप लगा दो, ठीक है। इस वाले लॉ को कब यूज करेंगे? इसको हम यूज करते हैं क्लोज्ड लूप में। किसमें? क्लोज्ड लूप में। तो इसकी स्टेटमेंट बेटा जो होगी ना वही होगी, इट स्टेट्स दैट क्या स्टेट कर रहा है ये बेटा? द टोटल, द सम ऑफ लिख लो पहले, सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, याद रखना सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, ईएमएफ्स ठीक है, सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे? अक्रॉस द रजिस्टर्स इन द क्लोज्ड लूप, इन द क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक है, दोनों में जीरो आता है भैया, दोनों में शून्य होता है। शून्य इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, सभी संसार में समस्त चीजों की जो शुरुआत है वो शून्य से ही होती है, नथिंग से, है ना। नथिंग से क्या बनता है? एवरीथिंग। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जीरो। सो इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स इन द क्लोज्ड लूप। दिस वर्ड, दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। अच्छा, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है यानी जंक्शन लॉ, आप इसको ओपन सर्किट के लिए भी यूज कर सकते हो, और ये केवल किस में यूज होगा? क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड सर्किट में यूज होगा, ठीक है। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ को आप ओपन सर्किट में भी लगा सकते हो। So, यानी कि अगर हम इसको और डिटेल और अगर समझे इसको हम, तो इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स इन द क्लोज्ड लूप इज जीरो। आई अपोलोजाइज फॉर माय राइटिंग गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, एंड सॉरी, बट प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दो, राइट। आई थिंक वैसे इतना तो विजिबल है, इतने तो आप समझदार हो सारे के सारे कि इतना समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जरा इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी बातें और, इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज्ड लूप इज जीरो। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी क्लोज्ड लूप में वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ऐसा वर्ड है ना जो ईएमएफ में भी यूज होता है, यानी सेल के लिए भी यूज होगा, ठीक है, रजिस्टर के लिए भी यूज होगा, कहीं पे भी अगर क्लोज लूप में जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो बेटा, उन सबका सम क्या कर दोगे? जीरो कर दोगे। यानी कि दूसरी बात, भाषा में अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो कि भाई ये एक रजिस्टर आर है, ठीक है, और ये मैंने बना दिया एक सेल का डायग्राम, ठीक है, इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है, और ये इसका ईएमएफ हो गया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना, और यहां पे लेट कर लो करेंट आई फ्लो कर रहा है, ओके। अब मैं इसमें अगर किरचॉफ्स लूप लॉ लगाता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक तरह से मुझे यहाँ पे एक डायरेक्शन, यानी कि मुझे यहाँ पे एक पाथ को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। आई विल टेल यू ये क्या होता है, पहले इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखते हैं। तो यानी कि सिग्मा वी माइनस आई आर, ठीक है, सिग्मा ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर ये कह सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
सिग्मा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी लगा सकते हो इसको, सिग्मा इप्साइलॉन इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा डेल्टा वी भी आप लिख सकते हो, राइट, सॉरी आई आर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये है टर्मिनल पोटेंशियल और ये ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कई सारी किताबों में इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है, इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। तो ये स्टेटमेंट वहीं से आती है। आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, यानी वी टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सिग्मा अपने आप में क्या है, टोटल है, ठीक है, तो सिग्मा डेल्टा वी इज जीरो, वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे जब पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा, ये जो लॉ है किस पे बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स है, एनालोगी हम यूज करते हैं, राइट, विच पुश द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स बट इट प्रोवाइड्स इंटरनल मैकेनिज्म, कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, बेटा जा जा तू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल में भेजता है ना, ये हमने पढ़ा था जब हम ईएमएफ ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो यानी कि यहां पर बेटा जो हम बात कर रहे हैं, जो टोटल पोटेंशियल है किसी भी क्लोज लूप में जीरो है, ये जो पूरा का पूरा जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, ये डिपेंड, इसका ये जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यानी कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ चार्ज, किस, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ऐसा क्यों, बिकॉज एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्या होता है, फोर्स कंजर्वेटिव होता है, सो जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन द क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो, क्या हो जाएगा, मस्ट बी जीरो। यानी इस क्लोज्ड लूप में अगर चार्ज को यहां से यहां पे यहां तक लेके आया जा रहा है तो जो टोटल वर्क डन होगा इस क्लोज्ड लूप में वो क्या हो जाएगा, जीरो। हमें पता है कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है सो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, देयर इज नो वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ, ओके, सो दैट्स व्हाई दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहां पे जो टोटल पोटेंशियल है, जितनी एनर्जी ये लॉस करेगा उतनी एनर्जी ये गेन करेगा, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी यहां पे क्या होगा बेटा, कंजर्व हो जाएगी, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कन्वेंशन की, इस लॉ को अप्लाई कैसे किया जाए, ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिस लॉ। फिलहाल तो ये मैथमेटिकल फॉर्म देख लो और इसके बाद बताता हूं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स इन द क्लोज्ड लूप इज जीरो, ठीक है, पहला पॉइंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज्ड लूप इज जीरो, ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर इज जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा वी इज जीरो या सिग्मा इप्साइलॉन इक्वल टू सिग्मा आई आर, राइट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है कंजर्वेटिव है, इसलिए जो वर्क डन होगा क्लोज ग्रुप में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पॉइंट को उठा उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। अगर यही सब नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा भी नहीं है, है ना, कॉन्सेप्ट इज द पावर टू सक्सेस, राइट। तो यानी कि मेक श्योर यू मस्ट नो ऑल द फैक्चुअल फैक्ट, ऑल द फैक्ट्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी इससे रिलेटेड रिगार्डिंग में इससे है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जरा इसको अप्लाई कैसे किया जाए, सर ये बता दो अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं बेटा कैसे करेंगे। देखो लेट करते हैं, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार,
देखो यहां पे आपको ये पूरा सर्किट दिख रहा है ना, ये मैं एक सर्किट डायग्राम बना दिया है। अब यहां पे दो लूप दिख रहे हैं आपको, लेकिन ध्यान से देखा जाए पे दो लूप नहीं है, तीन लूप है यहां पे। सर क्या बात कर रही हो, तीन लूप कैसे हो जाएंगे? आप ध्यान से देखो इसमें तीन लूप है। पहला लूप तो ये हो गया, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये है ना, दूसरा लूप ये हो गया ये वाला, और तीसरा लूप बेटा इस बीच वाले को हटा दो ये बड़ा वाला, ऐसे करके यहां पे तीन लूप हो गए राइट। अब पहला पॉइंट ठीक है, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई दिस रूल। सबसे पहला पॉइंट बेटा, सिलेक्ट एनी क्लोज्ड लूप, क्या करोगे सिलेक्ट एनी क्लोज्ड लूप, उसके बाद क्या करोगे टेक टेक डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल क्या है सर, ये क्या बताते रहते हो आप, नई नई टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर देते हो। बेटा ट्रैवर्सल का मतलब आपको इसमें ना कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं यहां पे करेंट देखू, लेट कर लो यहां पे करेंट आई वन ऐसे निकल रहा है, यहां से करेंट आई टू निकल रहा है, और यहां पे कितना करेंट फ्लो करेगा देखो, ये I1 आ गया ये I2 आ गया, ये दोनों करेंट यहां पे आके मीट करेंगे कि नहीं भाई, दोनों के दोनों करेंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं राइट। तो इसमें जो करेंट फ्लो करेगा I1 प्लस I2 फ्लो करेगा राइट। ये तो हो गया जंक्शन लो, ये वाला मैंने लगा दिया जंक्शन लो, जितना करेंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करेंट जंक्शन से लिप करेगा, तो टोटल इनकमिंग करेंट जितना करेंट आ रहा है उतना ही करेंट यहां से लिप करेगा। अब देखो यहां पर मैंने टेक द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये होता है कि आपको ना यहाँ पे एक डायरेक्शन लेट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इस तरीके से बना दिया ये जो मैंने गोला बनाया अलग से, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, यानी ट्रैवर्सल में मैंने ट्रेस कर दिया, पाथ को ट्रेस करना है। दो मैंने इस क्लोज लूप को लिया तो मैंने इसको ट्रेस कर दिया एक लूप बना के, तो मैंने क्या किया भाई, करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है या इस करेंट किस कैसे भी ले सकते हो, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, और आप इसमें क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, जैसे इसमें अगर मैं करूं तो मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज भी कर सकता हूं है ना। तो ऐसे आपको लूप लेट करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सल। ये जो मैंने बनाए दोनों ऐसे गोले अंदर, इसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सल, यानी इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेट करनी पड़ेगी जिसमें आप करेंट पोटेंशियल को कैलकुलेट करोगे, एड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, यानी इस लूप के अकॉर्डिंग आप चलोगे। ये जो मैंने अंदर बनाया ना एक और लूप, जो मैंने ट्रैवर्सल बनाया इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अब लगा दो केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लो, यानी किरचॉफ्स लूप लो। अब पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया ई एफ, ऐसे हो गया राइट, या थोड़ा ऐसे करते हैं ए बी सी डी ई और एफ। पहले हम बात कर रहे हैं इस मैश की, पहले वाले लूप की ठीक है, यानी फोर लूप वन, या तो इसको वन कह दो या जो मैंने आपका नाम लिखा है ना, कैसे कैसे लिया मैंने लूप की डायरेक्शन ए बी सी डी ए, मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो जरा इसको समझो, मैंने जो लूप की डायरेक्शन लिए बेटा ए बी सी डी ए करके लिया, यानी ए से यहां से ए बी सी डी ए, ऐसे हो गया ना। अब हम पहले लूप की बात, इसके अंदर की बात करते हैं। अब देखो यहां पे ये जो मैंने ट्रैवर्सल है ठीक है, ये जो मैंने आप ट्रैवर्सल पाथ है जो मैंने यहां पे किया है मार्क, यहां पे जो एरो है वो कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलो तो ये जो ईएमएफ है, इस तरीके से मैं लूप लाइट कर रहा हूं, तो इस ईएमएफ का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको माइनस ई वन ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है, सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो इन अ क्लोज लूप। अब इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, लेट कर लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी वन है ठीक है, तो भाई वी वन इंटू में क्या हो जाएगा आई वन, सॉरी वी वन जो हो जाएगा आई वन इंटू में आर हो जाएगा, आई वन इंटू में आर वन हो जाएगा कि नहीं,
भाई जो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, आई वन इंटू में आर, यानी ओम्स में लगाओगे आई आर हो जाएगा। तो मैंने जो पाथ ऐसे लेंट किया है, इसी पाथ के डायरेक्शन में आपको करेंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और जो ईएमएफ है इनका सम आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे ए बी सी डी एंटी क्लॉक वाइज अगर मैं चलता हूं, तो यानी कि ये जो ईएमएफ है इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, आपको इसको नेगेटिव यूज करना है, ठीक है, क्योंकि करेंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करेंट क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैंने पाथ सेलेक्ट किया है ट्रैवर्सल का, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रहा है। तो करेंट टेकन टू बी पॉजिटिव या इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा रेजिस्टर के अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल पाथ, जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में करेंट है और पाथ ऑफ ट्रैवर्सल है, ठीक है, तो या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है, तो उस केस में आपको जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यानी आई वन आर वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अभी तो पूरा लूप है, लूप तो यहां तक है ना, तो अब दोबारा से यहाँ पे जाओगे तो ये करेंट तो इसमें भी जा रहा है, इसमें कितना करेंट मैंने लग किया I2, बट बेटा करेंट यहाँ पे आ रहा है ऐसे, मैंने ट्रैवर्सल की डायरेक्शन ऐसे लेट किए और करेंट इस वाले ब्रांच में सीडी में अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव, यानी आई टू आर टू हो जाएगा। ओके, अब देखो ट्रैवर्सल पाथ ऐसे है तो यानी इसका कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, दैट इज ए टू, और बराबर क्या हो जाएगा जीरो, दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आ गया पहले मैश में, मैंने केवल इस वाले मैश में लगाया। अब जरा इस वाले मैश की बात करो, मैंने इसमें एंटी क्लॉक लिया था ना, मैं इसमें क्लॉक ले लेता हूं, चलो मैं आपकी तसली के लिए मैं क्लॉक वाइज ले लेता हूं, राइट, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एंटी लेना तो एंटी लोगे, क्लॉक है तो क्लॉक, नो, आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, बस ये देखना जो पाथ ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है और करेंट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैं इसको लिख दूंगा, तो इसमें अगर हम अप्लाई करें तो बेटा यही वाला देखो पार्ट, यहाँ पे इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, करेंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, करेंट इसमें ऐसे जा रहा है, यानी करेंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, और पाथ ऑफ ट्रैवर्सल कैसी है, क्लॉकवाइज है, इस तरीके से है ना। तो अगर इस तरीके से पाथ ऑफ ट्रैवर्सल है तो यानी हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन जो ट्रैवर्सल की इस तरीके से है और करेंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, यानी आई वन प्लस आई टू इंटू में आर थ्री, यानी करेंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। अब आगे देखो भाई, ऐसे क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यहां पे ये रेजिस्टेंस आर टू है, इसमें करेंट कितना आई टू है, तो भाई इसकी डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल देखोगे, तो यानी ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस तरफ है ट्रेवर्स के लिए जो हमने लूप लेट किया था क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो करेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इस आर टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो इस ई टू का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस ई टू हो जाएगा और बराबर जीरो, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। अब इसको मैं एक तरीका और बताता हूं, नॉट इवन आप इंडिविजुअल लूप में लगा सकते हो, कोई भी लूप आप यहां पे चूज कर सकते हो, कोई भी लूप आप यहां पे चूज कर सकते हो बेटा, कोई भी लूप ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, मैंने बीच वाला हटा दिया अभी फिलहाल, तो मैंने इस तरह डायग्राम बना दिए, आर थ्री हो गया, ये आर वन हो गया, ये ई वन है, करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई वन, इसमें आई वन प्लस आई टू फ्लो कर रहा है। अब आप इस बड़े वाले मैश में भी, यानी बड़े वाले जो ए बी एफ ई है, इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा सकते हो, तो इसमें भी आप कैसी भी डायरेक्शन लेट कर लो, मैंने ऐसे लेट कर लिया एंटी क्लॉकवाइज लेट कर लिया, ठीक है, यानी करेंट की डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेट कर लिया। अब देखो भाई, इस ईएमएफ का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी अगर देखो ये पाथ ऑफ ट्रैवर्सल है, राइट, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल हो गया, तो यानी कि यहाँ पे जो करेंट है, जो पोटेंशियल है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले फॉल कर रहा है, तो माइनस ई वन आएगा। यहाँ पे क्योंकि करेंट और ट्रैवर्सल की डायरेक्शन सेम है, तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आई वन इंटू में आर वन। सेम बेटा यहाँ पे देखो, क्योंकि लूप मैंने ऐसे कंसिडर किया है, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल है इसी करेंट की डायरेक्शन में, तो इसके अक्रॉस जो करेंट और प्रोडक्ट होगा जो रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा,
वो भी पॉजिटिव होगा और बराबर जीरो। तो ये लगा दिया मैंने तीसरे मैच में किरचॉफ्स लॉ। तो आप किसी भी उसमें मैच में ठीक है किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई कर सकते हो। हाँ, शर्त यह है कि ये क्लोज्ड पाथ के लिए वैलिड है और जो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ है वो किसी भी चाहे क्लोज्ड पाथ हो चाहे ओपन सर्किट हो ठीक है वो दोनों चाहे ओपन पाथ हो वो दोनों के लिए वैलिड है। ओके, चाहे वो ओपन पाथ हो या क्लोज्ड पाथ हो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ दोनों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किरचॉफ्स लूप लॉ केवल क्लोज्ड पाथ में ही अप्लाई कर सकते हो। चलो न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और ज्यादा शॉर्टेड होगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, यहां पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसमें। अच्छा, कुछ पॉइंट पहले लिख लो। द आई आर इज टेकन पॉजिटिव ठीक है इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल एंड करेंट ठीक है डायरेक्शन ट्रैवर्सल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। ओके, जैसे लेट कर लो यहां पे रेजिस्टेंस आर है, इसमें करेंट आई जा रहा है और आपने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल जो है इसी डायरेक्शन में ले लिया है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल जो है ठीक है जो आप अलग से लूप बनाते हो ना सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसने करेंट की डायरेक्शन में आपने ले लिया। तो यहां पे जो करेंट होगा जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या होगा पॉजिटिव लोग। ओके, इसी प्रकार एंड वाइस वर्सा। वर्षा किसी लड़की का नाम नहीं है बेटा, ठीक है इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है करंट की डायरेक्शन अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल आपने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेट किया है तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना। और कुछ फैक्ट है बेटा जो बहुत याद बहुत जरूरी होती है साइंस में। तो पहला जो फैक्ट है भाई दिस यानी KVL इज अप्लाइड ओनली इन क्लोज्ड लूप ठीक है ओनली इन क्लोज्ड लूप यानी क्लोज्ड लूप के लिए ही वैलिड है ठीक है। बट KCL कैन बी अप्लाइड ठीक है इन फोर ओपन सर्किट ठीक है ओपन सर्किट नहीं कह सकते वैसे ओपन सर्किट कहना एक गलत हो जाता है बट क्योंकि ओपन का मतलब क्या हो गया देयर इज नो करंट ठीक है ओपन आई मीन सेंस कि इन द सेंस कि भाई जो क्लोज्ड पाथ है बहुत ही बड़ा है और जंक्शन बहुत छोटा है ना। जंक्शन पे जो हम कंडक्टर ले रहे हैं वो हम थोड़े से स्मॉल एरिया में ले रहे हैं और पाथ हमारा इनफाइनाइट है तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि ये ओपन सर्किट हो गया हाले करेंट इसमें फ्लो करेगा बेटा ठीक है। और क्लोज्ड पाथ ये ओपन पाथ लिख लो ठीक है और क्लोज्ड पाथ ये दोनों के लिए वैलिड होता है कहीं पे भी लग जाएगा ठीक है यानी किरचॉफ्स जो करेंट लॉ है ये ओपन पाथ और क्लोज पाथ दोनों के लिए वैलिड है और ये केवल क्लोज लूप के लिए ही यानी क्लोज पाथ के लिए ही वैलिड होगा ठीक है। चलो एक एग्जांपल कराता हूं, इससे मैंने बोला था ना एग्जांपल बताऊंगा आपको ताकि समझ में आ जाए है क्या ये। देखो इसमें इक्वेशन बनती है ठीक है दो या तीन, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है उस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे सॉल्व करके यानी एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या आपको जो भी मॉडर्न तरीका आता है ठीक है इक्वेशन सॉल्व करने का सॉल्व कर लेना ठीक है। हमें इक्वेशन किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे आंसर आना चाहिए है ना। तो चलिए करते हैं न्यूमेरिकल, इट्स अ न्यूमेरिकल टाइम इट्स अ शो टाइम और करते हैं न्यूमेरिकल और इसके जो भी कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा पहला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास और काफी सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कंसीडर किया है। इसमें क्या करना है हमें I1, I2, I3 फाइंड करना है यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ ठीक है। किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हमें I1, I2, I3 यूज करना है। देखिए किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक जंक्शन लॉ है और एक लूप लॉ है ठीक है। तो यहां भी लूप बन रहा है आपको लूप लॉ लगाना पड़ेगा राइट। तो इस क्वेश्चन में हम किरचॉफ्स लॉ यूज कैसे करेंगे और कैसे I1, I2, I3 फाइंड करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम पहले डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल लेट कर लेते हैं यानी कि ट्रैवर्सल का पाथ ट्रेस करते हैं। अब ये पाथ कैसे कंसीडर किया जाए यानी कि मैं बाहर से जो ट्रैवर्सल का पाथ ले रहा हूं
इसको मैं क्लॉकवाइज लू या एंटी क्लॉकवाइज लू, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप क्या करोगे भाई, ये देखो कि जो जितना भी करंट ब्रांचेस में फ्लो कर रहा है, इसमें आई वन करेंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में आई थ्री फ्लो कर रहा है, लेकिन दोनों करेंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रहा है आप उस डायरेक्शन में लूप को कंसिडर करोगे, यानी ये वाला जो पाथ ऑफ ट्रेवर्सल है। या आप लेट कर लो कि अगर मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप उसको क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है ना, पाथ को, तो ये ध्यान रखना कि जो जो ईएमएफ्स हैं और पोटेंशियल वगैरह है, इनका आप साइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लोगे, ओके, करेक्ट लोगे, राइट। तो जैसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इन लूप ठीक है, ए बी ई एफ ए, तो मैंने क्या पहले लूप को ऐसे कंसिडर कर लिया, राइट, क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखो आप इसके डायरेक्शन में, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं ईएमएफ से, तो यानी ट्रेवर्सल पाथ कुछ इस तरीके से है, देखो जरा ट्रेवर्सल पाथ कुछ इस तरीके से है, है ना, ये ट्रेवर्सल पाथ है, इस तरीके से ट्रेवर्सल पाथ दिख रहा है। तो इस एरो के डायरेक्शन में पहला जो इसका टर्मिनल आ रहा है, इसका पोटेंशियल का यानी ईएमएफ का नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, -12 लिखेंगे, 12 वोल्ट की यहाँ पे सेल यूज किया जा रहा है, तो यानी यहाँ पे जो ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में जो भी इसका टर्मिनल आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करोगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव यूज करोगे, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेवर्सल इस करेंट की डायरेक्शन में, तो इसके आक्रोस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ओम्स लॉ से आएगा, यानी आई इंटू में आर, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि ये ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, आई वन, और ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा इसके अंदर देखोगे यहां पे करंट आई थ्री है, ट्रेवर्सल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में दिख रहा है, भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ट्रेवर्सल भी इसी तरीके से, तो यानी आई थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, 2i3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। थोड़ा सॉल्व कर लो, 5i1 प्लस 2i3 बराबर कितना हो गया, 12। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यानी दोनों करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, तो पाथ ऑफ ट्रेवर्सल एंटी क्लॉकवाइज ले लो, यानी कि कुछ इस तरीके से हमने यहां पे क्या कर लिया, पाथ ऑफ ट्रेवर्सल देख लिया इस तरीके से। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल एंटी क्लॉकवाइज है, और इसके एरो की डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो -6 यूज करोगे, ओके। अब आगे क्या होगा, यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, एक करंट की डायरेक्शन में क्या है, ट्रेवर्सल की डायरेक्शन है, तो I2 इनटू में 3 कितना हो जाएगा, 3i2, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है इस 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो अगेन आ जाओ वापस इस वाले ब्रांच में, यानी कि ये जो ये तो पूरा लूप हो गया ना, इस लूप पे ये ब्रांच भी आ रहा है, तो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन बेटा 2i3 हो जाएगा, यानी प्लस में 2i3 और बराबर कितना, ये 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ। तो मैंने क्या किया यहां पर, सिंपल अप्लाई कर दिया, अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, ठीक है। अच्छा इसको मैंने लिखना भूल गया, सेम यहां पे आप लिखोगे इन लूप, विच लूप इज सी बी ई डी सी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो इस वाले लूप में, तो उसको मैंने नाम लिख दिया है, राइट। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, 3i2 प्लस 2i3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेट से इट इज सेकंड, क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले पॉइंट पर आप क्या करोगे, जंक्शन लो लगा दो, क्या लगा दो, जंक्शन लो, नहीं तो तीसरी इक्वेशन और निकाल लो। तीसरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला मैश देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे जंक्शन लो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो करेंट I1 है ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, और यहां से जो करेंट I2 है ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो जो टोटल करेंट है वो इसमें फ्लो कर रहा है, तो भाई I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो I1 और I2 दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। I3 क्या कर रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, तो ये -I3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ, यानी कि बाई KCL किरचॉफ करेंट लॉ, यानी टोटल करेंट एट द जंक्शन इज 0, तो यहां पर जो बच्चों I3 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। अब 1, 2 और 3
इन तीनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे इसको, यहां पे देखो आई वन आई थ्री है और यहां पे क्या है आई टू आई थ्री आ रहा है, राइट। दोनों में आई थ्री आ रहा है लेकिन आई टू आई वन इनमें डिफरेंट है, तो आई वन या आई टू में से एक को आप क्या कर लो, सब्सटीट्यूट कर लो। तो मैं लेट करता हूं कि आई वन मेरे पास क्या हो जाएगा, आई थ्री माइनस आई टू हो जाएगा और इसको पुट कर दो इन इक्वेशन वन। यहां से मैंने क्या किया, आई वन निकाला, आई वन इज आई थ्री माइनस आई टू और इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूं। तो यहां पुट करोगे फाइव इन टू में यह आ जाएगा आई थ्री माइनस आई टू प्लस टू आई थ्री बराबर बारह, है ना, इसमें पुट कर दिया। तो इन टू करोगे फाइव आई थ्री माइनस फाइव आई टू सॉल्व कर लो प्लस टू आई थ्री बराबर बारह, इसको और सॉल्व करोगे पांच और दो कितना हो गया सेवन, यानी माइनस फाइव आई टू प्लस सेवन आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा ट्वेल्व, लेट से इट इज फोर्थ इक्वेशन। अब दो और चार है इसमें लगा लो एलिमिनेशन मेथड, क्या लगाओगे एलिमिनेशन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पे मैं इसको इंटू कर रहा हूं पांच से और यहां पे मैं इसको इंटू कर रहा हूं तीन से, ठीक है। दोनों के जो आई टू के कॉफिशियंट है उसको हम क्या करते हैं बराबर बनाते हैं, तो पांच दिया पंद्रह, यानी इसमें कर लो पहले पंद्रह आई टू माइनस का इक्कीस आई थ्री बराबर कितना हो जाएगा छत्तीस, हर एक टर्म को तीन से इंटू कर दिया। यहां पर पांच से इंटू कर दो, फाइव थ्री जा फिफ्टीन आई टू प्लस फाइव टू जा टेन फाइव सिक्स जा थर्टी, यानी टेन आई थ्री बराबर थर्टी, इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों कट गया, 21 और 10 कितना हो गया 31, i3 बराबर ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो i3 आ जाएगा 66 by 31 एम्पीयर, ओके, ये हो गया हमारे पास i3 की वैल्यू। अब i3 आ गया तो इसको आप चाहे सेकंड में पुट कर लो चाहे फोर्थ में पुट कर लो और i2 निकाल लो, तो 3 i2 प्लस में i3 की जगह क्या आ जाएगा 2 इनटू में, ठीक है 66 by 31 बराबर 6, तो 3i2 प्लस 132 by 31, ठीक है, और ये वहां जाके घट जाएगा 6 माइनस 132 by 31, तो 6 कम 6 6 18, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 31, 186 में से 132 घटा दोगे तो 6 में से 2 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54 by 31 हो जाएगा। यहाँ पे 3i2 है, 3 से काटोगे 18 आ जाएगा, तो i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 by 31 एम्पीयर, ओके। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और यहां से हम क्या निकालेंगे i1 निकालेंगे, तो i1 कितना आ जाएगा, यानी i3 माइनस में i2 आ जाएगा। i3 मेरे पास है 66 बटे 31 माइनस 18 बाय 31, तो 31 एलसीएम दोनों में से घटा दो, 16 में से आठ गया 8 और 5 में से बन गया 4, 48 बाय 31 एम्पियर यहां पे क्या आ जाएगा करेंट आ जाएगा। तो ये है टोटल किरचॉफ्स लूप लो और जंक्शन लो का काफी सिंपल एग्जांपल है ये, ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारे पास सारे सवाल है पावर डेसिपेटेड या कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वी विल डू दैट, ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को समझ लो बच्चों और किरचॉफ्स लूप लो और जंक्शन लो को कैसे सॉल्व किया जाता है ये जरूर देखिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, 101 बल्कि 101% एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट देके आपसे करंट निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, और ये बोर्ड में पूछा जा चुका सवाल है भाई और काफी अच्छा सवाल है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे इस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट इन्होंने दे दिया है और आप इसका ना तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो नॉर्मल मेथड। देखिए सेकंड क्वेश्चन है वाला सामने आपके, ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये और लगता बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है एकदम, बल्कि हैवी। अगर आप इसमें किरचॉफ्स लॉ के बिना आप इस सवाल को करते हो तो रियली में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। तो यानी कि अब इसमें ना थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें तो एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया होता अक्सर, इसमें जो पेपर में आया था जो सीबीएसई की बोर्ड में उसमें डायग्राम नहीं था, बस ओनली स्टेटमेंट दे दी थी आपको, डायग्राम को आपको खुद बनाना था इसके अंदर। अब देखो यहां पे बोला क्या जा रहा है, यहां बोला जा रहा है एक बैटरी है 10 वोल्ट की आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है, यानी ईएमएफ ऑफ कोर्स कितना है यहां पे 10 वोल्ट है, चलो
उसके बाद इन्होंने बोल दिया 12 रेजिस्टेंस है, यानी 12 फेस पे है, ठीक है, हर एक एज पे टोटल टोटल 12 एज है और हर एक एज पे एक रेजिस्टेंस है, यानी एक तरह से वायर है, एक क्यूबिकल वायर बनाया गया यहाँ पे, ठीक है ना। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 ओम। डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करेंट अलोंग ईच एज, यानी कि हर एक एज पे कितना करेंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ये निकालना है आपको, इसमें हर एक एज में कितना करेंट फ्लो करेगा ये आपको फाइंड करना है। ये इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे डिवाइड होगा, और ये करेंट इधर, ये करेंट इधर, और ये वाले, हर एक एज में कितना करेंट फ्लो कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो भाई, करेंट भी निकालना है, और उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया, एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे क्रैक करें, तो लेट करते हैं, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो लेट करते हैं। इसमें टोटल 3 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है, 3i, इतना 3i करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अभी जो करंट 3i है, यहां पे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस कितना सेम है, तो भाई करंट भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे करंट i बन जा रहा है, i हो जाएगा, यहां पे करंट i हो जाएगा, और यहां पे भी करंट क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब यही i करंट यहां पे अभी दोबारा डिवाइड होगा, होगा कि नहीं, यानी इस वाले नेटवर्क में और इस वाले नेटवर्क में इस करंट का क्या हो जाएगा, आधा करंट हो जाएगा। तो यहां पे करंट आई और यहां पे भी करंट आई, यानी आई बाई टू, ठीक है, इसका भी आधा हो जाएगा। देखो यहां पे 3i है, 3i तीन अलग अलग पाथ में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सभी का सेम है, दैट्स व्हाई। यहां पे आके जो करंट है, फर्दर यहां पे 2 इक्वल रेजिस्टेंस का पाथ है, इसलिए करंट का आधा यहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला करंट ऊपर जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे आके ये करंट फर्दर हाफ हो जाएगा, यहां भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सेम ये वाला करंट इस वाले पॉइंट पे आने के बाद हाफ, और यहां भी हाफ हो गया, ठीक है। अब देखो ये करंट ऊपर जा रहा है i by 2, ये करंट यहां पे आ रहा है i by 2, तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट होगा, i plus i by 2 is i। इसी प्रकार बच्चों यहां पे देखो, ये करंट यहां पे i by 2 आ गया, यहां से ये वाला करंट i by 2 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे i by 2 और i by 2 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, केवल करंट i हो जाएगा। इसी प्रकार भाई यहां से करंट i by 2 आ रहा है, यहां से भी i by 2 आ रहा है, दोनों i by 2 ऐड हो गए, तो इसमें कितना होगा, i करंट फ्लो करेगा। अब ये i, ये i, ये i तीनों करंट यहां पे आके मीट कर रहे हैं, देखो 1 2 3, ये तीनों करंट यहां पे आके मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें वापस कितना करंट फ्लो करेगा, 3i। इससे क्या पता चलता है, हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा ब्रेन के साथ खेलने जैसा था, राइट। अब बात करते हैं कि भाई इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और इस नेटवर्क का यानी जो करंट है अलोंग द ईच एज ऑफ क्यूब, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर वाले मैश दिख रहा नहीं हो रहा, ये बाहर वाला, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, केवल बाहर वाला हम लूप कंसिडर करेंगे, बाहर वाला, ठीक है। और लूप को हम ऐसे लेट करते हैं क्लॉक वाइज, यानी करेंट की डायरेक्शन में, राइट। अब लगा दो इसमें किरचॉफ्स लूप लो, यानी अप्लाई किरचॉफ्स लूप लो, यानी वोल्टेज लो इन व्हाट, जी डी या डी सी एफ जी डी, देखो जरा डी सी एफ जी और डी, इस तरीके से, यानी हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, यहां से ये जा रहा है करंट, ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हमने पाथ ऑफ ट्रेवर्सल लेट किया है, इस तरीके से ये पूरा पाथ ऑफ ट्रेवर्सल, इसमें लगा रहे हम किरचॉफ्स लूप लो। अब बात करते हैं पोटेंशियल से शुरू करते हैं, ठीक है भाई। ट्रैवर्सल की पाथ ऐसे है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो -10 हो जाएगा, है ना। अगेन अब जाओ पाथ की डायरेक्शन में, सारे करेंट है, दो करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जो हमने ट्रैवर्सल पाथ लिया है उसी की डायरेक्शन में सारा करेंट है, है ना। तो यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस, वो क्या हो जाएगा, केवल आई हो जाएगा, ठीक है। इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I अपॉन 2 हो जाएगा। अरे I क्यों लिख रहा हूं, करेंट इंटू में रेजिस्टेंस IR, करेंट इंटू रेजिस्टेंस IR, ओम्स लॉ लगा दोगे यहां पे, सिंपल सेम, यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, I इंटू में 1, और ये बराबर किसके बेटा, 0 के, ठीक है। ऐड कर लो इन सबको, बस इतना ही है सवाल आपका खत्म, इसी में पूरा सवाल इसी में खत्म हो जाएगा, देखते जाओ। I प्लस I बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 2 प्लस में I कितना हो जाएगा,
पाई बाई टू आई, है ना, ऐसे होगा ना, तो दो आई हो गया, दो दिन चार एक पांच, पांच बट्टे दो आई आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा। इनको जोड़ लेना बेटा, पांच दुनी दस, तो करंट कितना हो गया, चार एम्पियर। करंट कितना हो गया, चार एम्पियर। तो देखिए चार एम्पियर कहां का फ्लो करेगा, एक बार देखो हमें क्या निकालना है, ईच ऑफ रजिस्टर डिटरमाइन द करंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यूब। हर एक रजिस्टर से आपको करंट फाइंड करना है, हर एक रजिस्टर से निकालना है करंट बिट्टा, ठीक है। तो देखो अब आई कहां कहां फ्लो कर रहा है, एक तो यहां पे डीसी में फ्लो कर रहा है यही करंट, डीसी में जा रहा है और एफ जी में भी जा रहा है यही करंट, है ना, और कहां पे जा रहा है भाई, और कहां पे जा, डीई में ये करंट जा रहा है, और कहां जा रहा है, डीई में जा रहा है, डीए में भी यही करंट जा रहा है ना, डीए में यही करंट जा रहा है, और कहां पे, एच जी में भी यही करंट है बेटा, एच जी में भी यही है, और कहां पर है, और बी जी में भी यही करंट है, है ना, बी जी में भी यही करंट है, और कहीं दिख रहा है ये आई छे में होने चाहिए, छे आ गया ना, बस ये कितना हो गया, एक एम्पियर, सॉरी चार एम्पियर, कितना हो गया ये, चार एम्पियर का करंट, यानी तीन तीन छे, चार एम्पियर का ही हो गया करंट। अब बात करते हैं आगे, अब यहां पे जो बाकी बचा आई बाई टू वाला, आई बाई टू कितना हो जाएगा यहां पे, यानी चार बट्टे दो, यानी दो एम्पियर, आई बाई टू का चार बट्टे दो यानी कि दो एम्पियर। अब दो एम्पियर करेंट, जहां जहां आई बाई टू करेंट है वहां पर दो एम्पियर होगा, जैसे पहला है सी बी, ठीक है, दूसरा क्या है सी एफ, ठीक है, सी बी सी एफ, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा, है ना, ये ए बी हो गया, राइट, उसके बाद क्या हो जाएगा ई एच हो जाएगा, आई ई एच हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए और ए एच हो रहा है भाई, ए एच बी हो रहा है, कितने हो गए, पांच हो गए ना, एक रह गया कौन सा, सी एफ हो गया, ठीक है, सी बी हो गया, आई बाई टू इसमें भी फ्लो कर रहा है, अच्छा ई एच हो गया हमारे पास, ये भी हो गया है, ए एच बी हो चुका है, ठीक है, ई एच ये तो हो चुका है, ई एच हमें ए एच हो गया, ठीक है, अब एक कौन सा रह गया भाई, आई बाई टू का ए बी हो चुका है, ई एच हो गया, ए बी हो गया, ए एच हो गया, ठीक है, और बेटा कहाँ रह गया, एक करेंट भूल गया हम, तो ई एफ रह गया, है ना, ई एफ रह गया, यस ई एफ रह गया है यहाँ पे, ई एफ रह गया, राइट, और ये किसके बराबर होगा, टू एम्पियर के। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन की बैड रियलिटी, कहीं से भी अगर आप इस सवाल को करोगे तो आई थिंक ये सारी बातें मेंशन नहीं होगी, वो बोल देते हैं कि यू कैन इजिली रीड ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। भाई कहां से रीड करें, आपको तो एग्जाम में बताना पड़ेगा ना, हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा अगर आपसे बोला जाए टोटल करंट कितना है इसके अंदर, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, तो बेटा इन इसको चार से इंटू कर देना, यानी टोटल करंट थ्री आई है, तो तीन इंटू में चार कितना हो गया, बारह एम्पियर। निकालना क्या हमें, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करेंट सॉरी, तो टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट है और टोटल करंट कितना है, 12 है बेटा, तो 10 बट्टे 12 कर तो कितना आ जाएगा, 5 बट्टे 6। ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस है इस पूरे नेटवर्क का। कहीं पर भी मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया, सीधा मैंने क्या लगाया, किरचॉफ्स लूप लो लगाया, टोटल करंट निकाला, टोटल पोटेंशियल देख लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, और ये है करंट इन ईच ब्रांचेस, ठीक है, इन ईच एज ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज और वेरी ब्यूटीफुल मेथड के तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ, ठीक है, ताकि अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, गुलाबी नीली पीली जैसी चीजें जब अट्रैक्ट करती है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हाँ आप तो एक ही से बनाओगे आपको साइनो डेट, लेकिन क्लियरली मेंशन करना भाई, अच्छे से क्यूब का डायग्राम बनाओ, प्यारा सा डायग्राम बना के आओ भाई, मार्क्स तो भर भर के मिलेंगे आपको, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो किस तरीके से किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है भाई सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, काफी अच्छा सवाल है, कई सारे पॉइंट यहाँ पे पूछ रखे हैं, यानी कि एक तरह से ये बेसिक क्वेश्चन है देखा जाए तो,
तो इसमें पूछा क्या गया है, ये आपके पास सर्किट गिवन है, विच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर थ्री, और वट आर द करेंट इन द आर्म बी जी। ठीक है, वट आर द करेंट आर आएगा यहां पे, और वट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस आर टू। तो चार सवाल यहां पूछे रखे हैं, और आई थिंक ये तीन नंबर में सवाल आया था, इन दोनों में और करके ऑप्शन था, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करके करना था। ठीक है, यानी इनमें आपको और करके सवाल पूछा गया था। तो देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे, हमें यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई करना है, काफी बड़ी स्टेटमेंट थी, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ वगैरह वगैरह ऐसे बता रखा था, जंक्शनों के बारे में थोड़ी सी इन्होंने डेफिनेशन दे रखी थी। सो इट इज जस्ट लाइक अ केस स्टडी बेस वाला सवाल था ये। ठीक है, केस स्टडी बेस वाला सवाल था पूछिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला सवाल है विच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट। हमें पता है अगर हम किसी भी सर्किट में एक वायर को अगर हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रजिस्टर से, ठीक है, तो उस वायर पे जो पोटेंशियल होगा हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ए बी सी, क्योंकि सारा वायर सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ए बी सी, और देखो इसी बी से एक अनादर वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, यानी ए बी सी और आई, ये चार पॉइंट कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पर है। तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो होगा ए बी सी एंड आई। ठीक है, इन चारों का पोटेंशियल यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट आई पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो वायर होता है वो जीरो रेजिस्टेंस का होता है लगभग, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल के बराबर होता है, इसलिए इसमें जो पोटेंशियल होगा हर पॉइंट पे वायर पे क्या होगा, सेम रहने वाला है। अब देखते हैं इसमें एक और, एक तो ये हो गया आंसर, दूसरा यहां पे अगर आप देखो ये वाला भी तो वायर क्या है, एक सिंगल वायर है, और यहाँ पे इसी वायर पे दो पॉइंट ले रखा है, एक डी और ई, तो डी और ई भी क्या यहाँ पे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जे और जी की अगर हम बात करते हैं, जे और जी, ठीक है, ये भी क्या यहाँ पे, ये भी एक सिंगल वायर है और यहीं से एक कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो जे और जी पर भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होने वाला है। चलिए तो पहला पार्ट हो गया, अब इसी प्रकार बी वाला पार्ट देखिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर थ्री, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं कि भाई ये करंट यहाँ पे आई वन फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट जाके डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे आई टू हो गया, और इसमें कितना फ्लो करेगा, आई वन माइनस में आई टू। लेट सपोज इस तरीके से पूरा करेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो यहां से करेंट आई वन ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो बैटरी है, ये जो यहाँ पे सेल यूज कर रखा है, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहीं से करंट यहाँ पे निकलेगा, ओरिजिनेट होगा यहाँ से, राइट। अब क्या करेंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एक डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल यानी पाथ ऑफ ट्रेवर्सल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम इसमें भी आप ऐसे कर लो, पाथ ऑफ ट्रेवर्सल एड कर लो इस तरीके से। तो पहले हम अप्लाई कर रहे हैं इस वाले लूप में, इसको वन कह देते हैं, इसको हम टू कह देते हैं, तो यानी कि इन लूप वन, इस वाले लूप में अगर आप किरचॉफ्स लॉ यूज करते हो, तो देखिए ट्रैवर्सल की डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से, ये ऐसे ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है ना, ये जो एरो मैंने कोने कोने में बनाया है, ये ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज हो गया, राइट। अब इस ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट करते हैं बैटरी से, यानी इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सिक्स। इसी प्रकार अगर आप देखो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई वन जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई वन इंटू वन हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, ओम्स लॉ। अब क्योंकि जो डायरेक्शन और ट्रैवर्सल और करेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे करेंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे करंट I1 माइनस I2 जा रहा है, यहाँ पे I2 माइनस I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, तो इस वाले आर्म में जो हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ये भी पॉजिटिव होगा, 10 है, 10 इंटू में I2 कितना हो जाएगा, 10 I2 हो जाएगा, क्योंकि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल भी करंट की डायरेक्शन में ही है, राइट। बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी आई वन प्लस 10 I2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Let's it is first equation. इसी प्रकार इस वाले लूप में बात करेंगे, यानी इन लूप 2 सेकंड वाले लूप में,
इसमें क्या होगा, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब तो इसको कहीं से भी उठा लो। तो देखो ये तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होगा 10 हो जाएगा, 10 इंटू में, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, और डायरेक्शन भी हमने क्या किया ट्रेवर्सल की, कुछ इसी की डायरेक्शन में ले रखा है, करंट की डायरेक्शन में है ना, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल भी करंट की डायरेक्शन में, राइट। और इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 हो गया, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें 10 इंटू में I1 माइनस I2, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का और करंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। आगे देखो आप, अब यहाँ पे इस वाले में देखो, यहाँ पे करंट इस तरीके से आ रहा है और ट्रावर्सल हमने क्या ले रखा है इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ले रखा है, तो इसके अक्रॉस जो करंट जो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा -10I2 हो जाएगा, 10 इंटू में I2 होगा, 10 इंटू I2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 10I1 माइनस 10I2 बराबर क्या हो जाएगा 10I2 हो जाएगा, -10I2 बराबर 0। तो सॉल्व करोगे 10I1 दोनों ऐड हो गया, 20I2 हो जाएगा, बराबर जाके प्लस हो जाएगा, कट गया दो पे ही है, तो I1 कितना आ गया 2I2 आ जाएगा, I1 कितना हो जाएगा 2I2 हो जाएगा, तो यानी कि I1 यहाँ पे जो है I2 का डबल हो रहा है। तो अगर हम देखें तो जो टोटल करेंट है इसके अंदर, ठीक है, यानी I1 माइनस I2 कितना आ जाएगा 2I2 माइनस I2 यानी कि I2। इसका मतलब भाई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, I1 माइनस I2 इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें ही फ्लो होगा, ओके। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसमें पुट करने पे, ये आ जाएगा 2I2 प्लस में 10I2 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 12I2 बराबर 6, तो I2 आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो 1/2 एम्पियर कहां पे भी करेगा I1 माइनस I2, ये भी कितना होगा 1/2 एम्पियर होगा, और I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 1/2 इंटू में, यहाँ पे पुट कर देंगे I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 1/2 इंटू में 1/2 इज 1 एम्पियर, तो I1 कितना हो गया हमारे पास 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब जो निकालना है वो निकाल लो, जो पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3, यानी कि जो बी पार्ट है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3, R3 है रहा भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 5 इंटू में I1 माइनस में I2, सिंपल ओम्स लॉ लगा दोगे, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, यानी कि I1 माइनस I2 कितना है हमारे पास हाफ है, तो 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा सी पार्ट क्या पूछा इन्होंने, व्हाट आर द करंट इन आर्म BG, BG में कितना करंट जा रहा है, यानी I2 इक्वल टू 1/2 एम्पियर, इसमें आधा एम्पियर करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R2, यानी इसमें कितना पावर डिसिपेट होगा, जो पावर डिसिपेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा V × I करके फॉर्मूला होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो I² R सीरीज में, ठीक है, तो पावर हमारे पास होता है V × I या I² R होता है। अब यहाँ पे I कितना फ्लो कर रहे हैं 1/2 एम्पियर, ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, तो भाई 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और R कितना है यहाँ पे 5 है, तो सॉल्व करोगे 1.25 वाट हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आपके CBSE बोर्ड में पूछा गया था बच्चों, और ये आई थिंक तीनों सेट में था जहां तक मुझे पता है, ठीक है, सेम सवाल था, कोई अंतर नहीं था, हो सकता है एक में कहीं रकम आधी उधी चेंज कर दियो, बात अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई पूछे जाते हैं, जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में CBSE में, और आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल ना देके इस तरीके से घुमा फिरा के 4-5 चीजें आपसे पूछ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो भाई अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है और कई बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में कैपेसिटर लगा दिया, राइट, और यहाँ पे 3 जो बैटरी है उनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे इनके रेजिस्टेंस है 3 ओम और 2 ओम। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, इन द गिवन सर्किट विद स्टेडी करंट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ वी। मैंने इस क्वेश्चन को इससे पिछले वाले क्लास में, यानी पिछले वाला लेक्चर था, उसमें मैंने बिना अप्लाई किए किरचॉफ्स लॉ के, किरचॉफ्स लॉ के बिना अप्लाई किए मैंने सवाल को करवाया था, विदाउट किरचॉफ्स लॉ के मैंने सवाल को सॉल्व करवाया था।
इसमें मैंने टोटल पोटेंशियल निकाल के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, टोटल करंट निकाल के, देन मैंने उस जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था। लेकिन आज इस सवाल को हम क्रैक करेंगे बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ से शायद इस सवाल को आप बेहतर तरीके से समझ भी पाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, इन द स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट ऑफ करेंट, यानी इन द स्टेडी करेंट, आप ये लिख लो, इन द स्टेडी करेंट, ठीक है, द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, देन देयर इज नो करेंट इन द ब्रांच या इन द आर्म बीई, यानी इसमें कोई करेंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें आप करेंट लेट क्या कर लोगे, यहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी इन द स्टेडी करेंट द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो देन देयर इज नो करेंट इन द आर्म बीई, यानी स्टेडी करेंट वाले केस में अगर स्टेडी करेंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो इस कैपेसिटर से कोई करेंट फर्दर पास नहीं होता है, ठीक है। और पहली बार डीसी करेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये भी देख लो, तो यानी कि इन द स्टेडी करेंट द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो इसका मतलब देयर इज नो करेंट इन द आर्म बीई। और ये बच्चों क्वेश्चन रियली में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, अभी भी आज भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, तो यानी ये वाला जो आर्म है ये क्या हो जाएगा, नलीफाइड हो जाएगा, यानी इस आर्म का कोई यूज नहीं है। तो इस सर्किट को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, लेट्स मॉडिफाई दिस सर्किट, इस तरीके से हम इस सर्किट को दोबारा से मॉडिफाई कर रहे हैं, ये बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो बिना सर्किट को बना के भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये एफ हो गया, ये वाला पॉइंट ई था, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ दिस सर्किट इज मॉडिफाइड, ओके, और ये मेरे पास 3 ओम और ये मेरे पास कितना है, 2 ओम है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा, ठीक है, यानी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन ए बी सी डी ई एफ ए, कैसे लगा रहा हूं मैं, इस तरीके से ऐसे लगेगा, ये मैच लो इस तरीके से लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज किया मैंने, ओके। अब देख लो, ये तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल हो गया, यानी इस तरीके से हमने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल लेट कर लिया। तो यहां पे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, और ये कितना है, 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। तो यहां से अगर आप शुरू करते हो तो ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में ही इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, राइट। सेम यहां पे इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, लेट कर लो, अच्छा इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, तो इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, आई फ्लो करेगा, राइट। अब करंट की डायरेक्शन में हमने क्या लेट किया, ट्रैवर्सल लेट किया डायरेक्शन ऑफ, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा बेटा 2i हो जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार यहां पे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल देखो, और यहां पे 10 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसमें जो करंट पास होगा वो i है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है भाई, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो भी 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो प्लस में लोगे, और पोटेंशियल कैसे निकालोगे, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से आपके करंट की वैल्यू आ जाएगी, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/5 में से 10 गया -5, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। कितना हो गया करंट यहां पे, 1 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना, 1 एम्पियर, पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट यहां पे फ्लो करेगा। अब आप देखो यहां पे, या तो ये वाला मैच ले लो या ये वाला मैच ले लो। अब यहां पे एक लॉजिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, हमें क्या करना है, हमें तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये वी है, अगेन यहां पे हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, क्या करेंगे हम, किरचॉफ्स लूप लॉ हम यहां पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो अप्लाई सेम किरचॉफ्स लूप लॉ इन विच बी सी डी ई बी,
जिस डायरेक्शन में मैंने मैश सेलेक्ट किया है, यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, उसी डायरेक्शन में आप इसको उसी तरीके से आप इन अल्फाबेट्स को लिखोगे। तो मैंने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज बी सी डी ई बी होगा, राइट। अब देखो यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट कर लो इसके अंदर फिक्टिशियस करंट फ्लो कर रहा है, वैसे इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। लेट कर लो यहां पे ये जो करंट है ये फिक्टिशियस करंट है और ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पे जब मैंने लूप को ऐसे कंसिडर कर लिया, इस तरीके से कंसिडर कर लिया है, तो यहां पे करंट यहां पे, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इस लूप के यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल के डायरेक्शन में, ठीक है, इसका जो कौन सा टर्मिनल आ रहा है, इस पोटिंग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो माइनस 10 हो जाएगा, राइट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्सल है, तो यानी कि प्लस 3 इंटू में 1 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं यहां पर, अब अगेन यहां जो मैश है, मैश के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस यहां पर यह पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, किस केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, और जहां नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। यहां पे ऑलरेडी प्लस माइनस साइन दे रखा था, तो भाई ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, लेट कर लो बच्चों, वी हो जाएगा। क्या हो गया, वी, यही हमें निकालना है, ओके। और इसमें क्या होगा, करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है और इसका प्लस वाला टर्मिनल आ रहा है, ठीक है ना, ये हमने ऐसे ही लाइट कर लिया, झूठा सा करंट, ऐसा कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है सपोज, राइट। तो यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो इसे, तो 5 और 3 8, 8 में से 10 गया माइनस 2, जमा बी बराबर 0, 5 और 3 8, 8 में से 10 गया माइनस 2, तो बी कितना आ जाएगा यहां पर, 2 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बी यहां पर, 2 वोल्ट, ठीक। तो ये तरीका है यानी कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए, किरचॉफ्स लॉ से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर बिना किरचॉफ्स लॉ के मैं सॉल्व कर दूं तो कैसे करता, देखो बिना किरचॉफ्स लॉ के अगर मैं करता तो यहां तक तो ठीक है, इसमें देखो पहले टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, करंट क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, दोनों क्या है, इनकी सेम पोलैरिटी है, ठीक है, और कनेक्टेड है सीरीज में, तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, सो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 हो जाएगा, तो 5/5 कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट आ गया, आगे ना। अब 1 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो यानी सीडी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जैसे हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा E-IR हो जाएगा, E-IR, E कितना है पे, 10 है, और IR यानी कि 3 गुना में 1, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 वोल्ट हो गया। अब ये 7 वोल्ट कहां पे होगा, यहां पे होगा, क्योंकि भाई जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे होगा, तो 7 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया, टोटल टोटल पोटेंशियल यहां पे कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट, यानी यहां पे 5 है, यहां पे V है, तो बराबर 7 कर दो भाई, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल V लेट कर लिया बराबर 7 वोल्ट, तो V कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2 वोल्ट। एक तरीका यह करने का, हालांकि मैंने कई सारे मेथड बता दिए, वैसे पिछली बार मैंने बताया भाई नेगेटिव है तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो कई सारी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तरीका ये वाला है, ठीक है, ये बिना किरचॉफ्स लॉ के और एक किरचॉफ्स लॉ से, तो किरचॉफ्स लॉ से थोड़ा लेंथी हो जाता है, और अगर थोड़ा ऐसे सोचो तो ये जल्दी हो जाता है सवाल, राइट। तो यानी भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 20 वोल्ट, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 वोल्ट आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो भाई अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है और रियली में थोड़ा सा दिमाग चकराने वाला सवाल भी है, सोच में पड़ जाओगे आप। यहाँ पे R नहीं दे रखा, R1 नहीं दे रखा है, ठीक है, और इन्होंने ये भी बोल दिया कि BE में करंट क्या है, 0 है। सवाल क्या है, यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D, यानी इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन नो करंट फ्लोस इन द आर्म बीई ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अब कैसे करें इस सवाल को, ठीक है, बड़ी दुविधा वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, यहां पर लेट कर रहे हैं, लेट करते हैं इस वाले आर्म को, इस वाले आर्म को लेट कर, इस वाले आर्म,
राइट। करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पहले 6 वोल्ट है, यहां से करंट आई जाएगा, ये भी करंट यहीं से आई फ्लो होगा और यहां पे भी आई फ्लो होगा, राइट। अब ये जो करंट है दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेट करो कुछ करंट यहां पे जा रहा है आई वन और कुछ करंट यहां पे आई वन माइनस आई टू चला जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया इस वाले मैश में, यानी ए बी ई एफ ए में हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज कर रहे हैं। सो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी ई एफ ए में, इस वाले हम बात कर रहे हैं। लगा लो यहां से पकड़ते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तो 6 वोल्ट है। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल कैसे है, अच्छा उल्टा लेट कर लिया, ऐसे लेट करते हैं, क्लॉक वाइज हम लेट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल तो उल्टा हो गया भाई, ये वाला भी कैसे हो जाएगा, ए बी उल्टा होगा, ये भी आपको ऐसे करना पड़ेगा ए एफ ई बी ए, ऐसे लेट करना पड़ेगा, क्लॉक वाइज है ना, इस तरीके से। तो यानी इस ट्रैवर्सल की डायरेक्शन चेक कर लो, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में जो जो टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है उस हिसाब से हम पोटेंशियल लिखना शुरू करेंगे। तो यहां से पकड़ रहे हैं, तो भाई 6 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ रहे हैं यहां पे, अच्छा यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, एक मिनट भाई, यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम, यस हां, तो यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितना आई फ्लो कर रहा है, तो प्लस में 2 आई हो जाएगा, ओके। यहां पे इस बैटरी का, इस सेल का जो पोटेंशियल है और जो टर्मिनल है वो नेगेटिव आ रहा है, तो -1 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, +3 हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में, ट्रैवर्सल की डायरेक्शन है, और इसमें करंट 0 है तो इसकी जरूरत नहीं है, बराबर 0 कर दो, अच्छा। लेकिन पोटेंशियल तो है बेटा -3, तो -3 यहां पे पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल तो है, करंट 0 बोल दिया, पोटेंशियल तो वही रहेगा ना, सॉल्व कर लो इसको, ये 3 से 3 कट गया, तो इसमें तो करंट यहां पे 0 है, करंट 0 तो इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट। -6 और -7 +3 -4 बराबर -2i, तो करंट कितना हो जाएगा भाई 2 एम्पीयर हो जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, हमें क्या क्या निकालना है, ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो लेट कर लो भाई ये है हमने ऐसे लाइन खींच दी, तो इसके बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं डायग्राम को, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा सर्किट डायग्राम, और यहां पे ये हमने लगा दी बैटरी इस तरीके से, राइट। यहां पे 3 ओम है, यहां पे 1 वोल्ट है, यहां पे 2 ओम है, ये ए हो गया और ये डी हो गया, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, इस तरीके से क्या करेंगे इसमें हम, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर का, और इसमें हम क्या लगेंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ दोबारा से अप्लाई कर देंगे, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है बी ए डी रहने देंगे, ठीक है। तो यानी जो बी ए डी है एक तरह से देखा जाए, अगर आप लगाते हो यहां पे किरचॉफ्स लूप लॉ तो क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में जो यहां पे टर्मिनल है बैटरी का वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए -1 हो जाएगा। इसमें जो करंट हो रहा है 2 एम्पीयर हो रहा है, 2 × 2 प्लस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट हो जाएगा, और इसका अक्रॉस पोटेंशियल निकालो 3 × 2 बराबर 0, सॉल्व करोगे -1 + 4 + 6 बराबर, सॉरी 0 नहीं, बराबर -1 + 10 कितना हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा, ओके। तो ये इसका आंसर है, और काफी शानदार क्वेश्चन था ये, इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिकल था ये, राइट। और किरचॉफ्स लॉ से आपको यहाँ पे सारे सवाल सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे आपके सामने, Using Kirchhoff's law, calculate the power dissipated by the resistance R equal to 4 ohm. यानी 4 ohm का resistance कितना power consume करेगा, ये हमें निकालना है। अब भाई सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, करेंट फाइंड करना पड़ेगा। निकालना है कैसे, पावर निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेंट फाइंड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला मैश है और ये सेकेंड मैश है, इसमें मैं Kirchhoff's loop law यूज कर लूंगा दोनों केस में, ठीक है। तो यानी पहले हम इसकी बात कर रहे हैं 1, और फिर दूसरा लूप है सेकेंड, तो यानी अप्लाई केवीएल, ठीक है, इसमें और इसमें केवीएल लगाएंगे, केवीएल इन 1 और 2 डायरेक्ट लिख दो। अब बहुत हो गया समझाना, बहुत डिटेल में हो गया, अब सीधे सीधे एक्शन का टाइम है। तो देखिए मैंने यहां पे करंट की डायरेक्शन में क्या कर लिया, पाथ ऑफ ट्रैवर्सल की डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया इस तरीके से, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है
उस डायरेक्शन में जनरली पाथ को ट्रेवर्स करा करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे बैटरी से स्टार्ट करते हैं तो माइनस 12 वोल्ट का टर्मिनल आएगा यहाँ पे, अगर देखें तो ट्रैवर्सल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, है ना, इस तरीके से है, राइट। तो यहाँ पे इस ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो माइनस 12 लोगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I1 इनटू में 2 यानी 2I1, क्योंकि करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, राइट। यहां पे क्या होगा, सेम I1 प्लस I2 इनटू में 4 हो जाएगा, यानी 4 ओम के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो 4 इनटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल क्या होता है, 0 हो जाता है। तो माइनस 12 जमा में 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर 0, सॉल्व कर लो इसको, और फर्दर 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6I1 प्लस 4I2 बराबर 12, 2 से 2 तिया 6, 2 दिनी 4, 2 छिक 12, बिट्टा कट जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 बराबर क्या हो जाएगा 6, लेट्स सेट इस फर्स्ट इक्वेशन, ओके। इसी प्रकार इस वाले मैश की बात करेंगे, इस वाले मैश में लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी करंट की डायरेक्शन में, तो बैटरी को पकड़ते हैं पहले, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल कुछ इस तरीके से है बच्चों, है ना, ये कुछ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल दिख रहा है। तो इस ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो माइनस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पे इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू में I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू में I1 प्लस I2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 के, तो क्या आ जाएगा 4 I1 प्लस I2 इक्वल टू 6, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सो 2I1 प्लस 2I2 बराबर 3। अब सॉल्व करेंगे इसको, क्या करते हैं इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 3I1 प्लस में 2I2 बराबर 6, एलिमिनेशन लगा लो, माइनस 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 कट हो गया, 2 में से 3 गया, माइनस I1 माइनस 3, तो I1 तो आ गया बेटा 3 एम्पियर, और I2 कितना हो जाएगा, I2 के लिए आप इसमें पुट कर लो चाहो तो 2I1, ठीक है, यानी 2 इनटू में 3 प्लस 2I2 बराबर 3, सो 2I2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3, तो I2 कितना आ जाएगा, माइनस 1.5 एम्पियर। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कि I2 जो है वो कैसे फ्लो करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, ये I2 के एक्चुअल डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए I2 यहाँ पे नेगेटिव है। तो टोटल करंट जो होगा इस ब्रांच में AD में, यानी कि इसके अक्रॉस टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, I1 प्लस I2 यानी 3 माइनस 1.5 यानी 1.5 एम्पियर। निकालना क्या है, पावर डेसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, तो पावर क्या होता है बेटा, I2 AD इनटू में R हो जाएगा, है ना, I2 R होता है, I कितना है 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर कर दो 2.25 इनटू में 4, 25 चौके 100 और 4 दुनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो बेटा 9 वाट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 वाट यहाँ पे पावर आ जाएगा। तो देखो ये पूरा सवाल है किरचॉफ्स लॉ से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, आपके सामने सारी चीजें रख रहा हूं, ठीक है, और प्रैक्टिस करना भाई इसको अप्लाई करने के लिए, और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, CBSE बोर्ड में कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो जिसमें फिजिक्स है 11th 12th की, स्पेशली 12th क्लास की, तो भाई ये सवाल मतलब किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड एक ना एक सवाल पूछा जाता है। तो देखिए अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सर्किट डायग्राम नहीं गिवन है, हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है और CBSE बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है। टू सेल्स ऑफ EMFs 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट एंड एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कहां पे पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है, सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना, तो स्टेटमेंट समझो, यहाँ पे इन्होंने बोला है जो दोनों सेल है इनको पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, तो पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं भाई, तो यानी ये हो गया हमारे पास 1.5 हो गया और ये वाला हो गया मेरे पास 2 वोल्ट हो गया, सो एज टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इन्होंने बोला हुआ है। चलिए तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये 1 ओम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है,
ठीक है। अब इसको कहां से कनेक्ट कर दिया है, तीसरे यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से जोड़ा गया है, ठीक है इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सर्किट डायग्राम बन के आ गया। ओके, यानी दिस इज 1.5 वोल्ट और ये लाइट कर लो 2 वोल्ट है ईएमएफ, ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएंगे इन सभी के। चलिए पहला तो काम हो गया, ड्रॉ कर दिया मैं डायग्राम। अब करंट देखना है, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें, लेट कर लो इसमें करंट I1 आ रहा है, ठीक है, और इससे करंट क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। तो दोनों करंट इसमें जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2 हो जाएगा। ओके, ऐसे लेट कर लेते हैं, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, हमने ऐसे लेट कर दिया, ठीक है। तो भाई करंट यहां पे सेम, इसका मतलब क्या है, सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन। देखो जैसे करंट जा रहा है यहां पे भी ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप देखोगे सारे करंट कुछ इस तरीके से हो रहा है ना, सभी करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, और बड़े वाले सर्किट में भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पहला तो हमारा काम ये हो गया। अब यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच, यानी हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालना है। लेट करते हैं कि भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई एफ, ऐसे लेट कर लेते हैं, राइट, या थोड़ा और करते हैं इसको, यहां पे ए कह देते हैं इसको, ए बी सी डी ई एफ जी, अच्छा ए ओनली, तो वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, कैसे आप लेट कर सकते हो। तो इसके दो पार्ट रह गए, यानी कि दूसरा पार्ट देखिए क्या बोला है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम केवीएल लगाएंगे इस वाले लूप में और इस वाले लूप में, इन दोनों में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लूप 1 हो गया, लूप 2 हो गया, ऐसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें ट्रैवर्सल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इस ट्रैवर्सल की डायरेक्शन में इसका नेगेटिव पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा है, हम इस वाले बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बाय केवीएल इन लूप 1 एंड 2 दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, -1.5, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, केवल I2 हो जाएगा, राइट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, देखो ट्रैवर्सल ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से आएगा, तो पॉजिटिव आएगा इसका, तो +2 हो जाएगा, क्योंकि करंट यहां पे ऐसे फ्लो कर रहा है और ट्रैवर्सल की डायरेक्शन इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा, -2 I1, क्योंकि इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। इसको ले लो बराबर 0, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, I2 - 2I1 1.5 - 1.5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 0.5, तो 0.5 नेगेटिव का हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दो, तो ये इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे, नेगेटिव से इंटू कर दिया, 2I1 माइनस में I2 बराबर 0.5, दैट्स इट इज फर्स्ट। इवन दो इसको 10 से और इंटू कर दो, तो 20I1 माइनस में 10I2 बराबर 5 हो जाएगा, ताकि मैं इसका डेसिमल हटा दूं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ऐसे इस वाले लूप में आ जाओ बेटा, यहां पे इस बैटरी को पकड़ लो, -2 वोल्ट ट्रैवर्स की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल है 2I1 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इस वाले लूप का और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर भी सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल और 5 ओम का रेजिस्टेंस के में जो करंट फ्लो करेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगा बेटा 5 इनटू में कितना हो जाएगा, I1 + I2 और बराबर क्या, 0। इसको सॉल्व कर लो, यहां पे 5I1 + 2I1 7I1, 5 × I2 क्या हो जाएगा, 5I2 बराबर 2, लेट्स इट इज सेकंड, ठीक है। क्या करेंगे इसको, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, इसको 2 से इनटू कर लो भाई, 2 से इनटू करो कितना आ जाएगा, 14I1 प्लस में 10I2 बराबर 4, ठीक है। 14I1 + 10I2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेट्स से इट इज बच्चों थर्ड। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 10I2 कट जाएगा, ऐड करो कितना हो जाएगा, 34I1, ठीक है, इक्वल टू 9, तो I1 हमारे पास आ जाएगा 9/34 एम्पियर करें, ओके। इसी प्रकार I2 निकाल लो, I2 निकालने किसी में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, यानी 20 × 9/34 - 10I2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से सब कट जाएगा,
5 1 5, 5 2 10, 5 4 20। मैंने क्या कर दिया, I1 की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दी है। तो 4 9 36, 36 बटे 34 माइनस में 1 इक्वल टू 2 I2, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो 36 माइनस में 34 अपॉन 34 बराबर 2 I2। तो 2 I2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 by 34 हो जाएगा। 2 से 2 कट 1 आ गया, तो I2 कितना आ गया, 1 by 34 एम्पियर। तो भाई करंट तो हमारे पास आ गया 1 by 34 एम्पियर, 9 by 34 एम्पियर, और तीसरे वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा I1 plus I2, that is 1 by 9 by 34 plus 1 by 34, यानी कि 10 by 34 एम्पियर, यानी कि 5/17 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये आ गया हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू। अभी हमें क्या निकालना है, बी वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। बी क्या होता है, आई इंटू आर होता है। आई इंटू आर कितना है, 5/17 है, तो 5/17 × 5 कर दो, 25/17 क्या हो जाएगा, वोल्ट। इतना पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पूरा सवाल है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था और काफी लॉजिकल है थोड़ा सा, भाई है लॉजिकल ऑफकोर्स बिल्कुल, सॉल्व करना है थोड़ा सा इसमें। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के, ऐसे जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। देखो एग्जाम में अगर किरचॉफ्स लॉ नहीं बोला जा रहा है तो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अगर सवाल पूछा गया है केवल कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ आपको सॉल्व करना है, फाइंड द करेंट और पोटेंशियल, तो आपको किरचॉफ्स लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास सर्किट डायग्राम दे रखा है और इन्होंने बोल दिया करंट I1, I2, I3 की वैल्यू बताइए। अब कैसे करेंगे, तो यहां पे अगर हम देखें लेट करी पॉइंट C, इसको हम A B कहते हैं इसको, और इसको हम C कह देते हैं, इसको हम D कह देते हैं, ऐसे पॉइंट हम लेते हैं, ABCD करके हम नाम दे देते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो लूप कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं ये वाला लूप, ओके, इस तरीके से इसमें मैं ऐसे कंसिडर करता हूं। करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है। तो मैं नीचे वाले मैश को, इसकी बात करूं नीचे वाले को केवल, ठीक है, इस तरीके से ये वाला कुछ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल हो जाएगा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से नीचे वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले लूप की बात कर रहा हूं। तो इसमें कैसे लगाएंगे हम किरचॉफ्स लॉ, यहां से पकड़ते हैं इसको भाई, तो ट्रैवर्स की डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 आ रहा है, तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो I2 into 1 हो जाएगा, तो +I2 हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है, राइट, और सॉरी करंट की डायरेक्शन में हमने डायरेक्शन ट्रैवर्सल ऐड कर रखा है। सेम बेटा इसमें जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस 12 × में क्या हो जाएगा, I3, और ये बराबर 0, तो यानी I2 + 12 I3 कितना हो गया, 10 हो गया, लेट्स से इट इज फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, यहां से आ जाएगी, क्योंकि जो I3 करंट है वो I1 और I2 के बराबर है, ठीक है, I1 और I2 के सम के बराबर होगा। क्यों होगा, यहां पे आप लगाओ किरचॉफ जंक्शन लो, यानी टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जो इनकमिंग करंट है I1 I2 है, इन दोनों का सम हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के किसके बराबर हो गया, I3 के बराबर हो गया। इस I3 को इसमें पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को, तो यहां से हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी। चलो तीसरी निकालते फिर इसको निकालेंगे। अब हम कर रहे हैं एक मैश, इसको लेट, इस वाले मैश को लेट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले को, ये जो है ना ये वाला, इस वाले मैश को हम लेट कर रहे हैं। क्या आएगा इसमें अगर हम देखें तो, क्योंकि यहां से हमारे पास सीधे I1 I2 की वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगा, तो इस वाले को पकड़ते हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स की डायरेक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आ रहा है, तो -6 हो जाएगा, तो -6, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 है, तो इनटू में I1, तो 0.5 I1 हो जाएगा। यहां पे ट्रैवर्स की जो डायरेक्शन है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 10 वोल्ट वाली बैटरी से, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो +10 हो जाएगा पहली बात तो, और इसमें जो पोटेंशियल होगा 1 ओम के अक्रॉस वो -I2 होगा बराबर 0। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 0.5 I1 -I2 4 ही आ जाएगा, उधर जाके -4 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, उधर जाके -4, दोनों को 2 से इंटू कर दो, तो I1 - 2 I2 = -8, let's say it is third equation। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, I1 I2 की फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे, इसको इसमें पुट कर दो, तो यहां से जो बच्चों I2 आएगा, I2
आई टू प्लस में, ये वाली जो सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है, आई थ्री इसमें पुट करोगे तो 12i1 प्लस 12i2 बराबर क्या हो जाएगा 10। i1 i2 को यहां पुट करो तो 12i1 प्लस 12i2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 12i1 प्लस में 13i2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। लेट्स से इट इज 4, क्या करेंगे इसको 12 से इनटू करेंगे थर्ड को और इसके नीचे लिख देंगे 12i1 ठीक है माइनस में 12 दुनी 24i2 और इक्वल टू माइनस 96। सॉल्व करो माइनस प्लस प्लस कट गया ये, 13 और 24 कितना हो जाएगा 37i2 बराबर 106। तो i2 हमारे पास कितना आ जाएगा 106 बाई 37 एम्पियर। अब i1 निकाल लो, i1 के लिए इसमें पुट कर लो चाहे इस वाले में पुट कर लो आपकी इच्छा है, तो इसमें पुट कर रहे हैं मतलब इस वाले में जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है फोर्थ वाली में, तो हम क्या करें थर्ड में पुट कर रहे हैं i2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा i1 माइनस 2 इंटू में i2 की जगह क्या आ जाएगा 106 अपॉन 37 इक्वल टू माइनस 8। तो i1 हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 प्लस 212 अपॉन 37, 8 सत्ते 56 ठीक है 5 और 8 3 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, यानी 296 जमा में 212 और बट्टे में 37 कितना आएगा भाई 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 ठीक है माइनस 84 बाई 37 एम्पीयर। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या है, जो करेंट यहाँ पे I1 है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है तो करेंट ऐसे फ्लो करेगा इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। अब निकालते हैं हम I1 प्लस I2, I3 क्या हो जाएगा I1 प्लस में I2, I1 हमारे पास माइनस 84 बाई 37 और I2 कितना है हमारे पास 106 है, तो 106 अपॉन में 37 दोनों को जोड़ लो बच्चों क्या आ जाएगा, जो I3 करेंट आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, 22 बटे 37 एम्पीयर, इतना क्या हो गया I2 हो गया राइट। अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है इसमें और कैलकुलेट द करेंट, अच्छा यही निकालना था ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाले भी ठीक है। तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके ठीक है और करेंट और पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसमें हम किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं। आज का आखिरी सवाल है और काफी हॉट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन है ठीक है, जिसमें रियली इक्वेशन आती है और थोड़ी सी टफ हो जाती है सॉल्व करना, तो लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे करेंट निकालना है यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ हर एक ब्रांच में, तो क्या करेंगे यहाँ पे तीन मैच दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, एक बड़ा वाला मैच भी दिख रहा है, थोड़ा मैं इसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ और देखो जरा कैसे होगा सवाल, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, पाथ को ट्रैवर्स करते हैं इस तरीके से राइट। तो मैंने इसमें ये लूप वन हो गया और एक मैश हमारे पास ये वाला है जिसमें मैं इसको ऐसे लेट कर रहा हूं इस तरीके से ठीक है, ये लूप टू हो जाएगा फाइन। चलो अब अप्लाई करते हैं KCL, अप्लाई KVL, नॉट KCL, KVL ठीक है, और इन लूप वन एंड टू फर्स्ट और सेकंड में, तो क्या आ जाएगा भाई, उठाते हैं सबसे पहले इस बैटरी को है ना, तो ट्रैवर्स की डायरेक्शन में इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है इस वाले लूप की बात करें तो माइनस 10 ठीक है, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है I1 है तो प्लस I1 हो जाएगा इनटू में 1 I1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल यहां पे क्या हो जाएगा इस 1 ओम के अक्रॉस I1 इनटू 1 इज I1 होगा, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा कि करंट ट्रैवर्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लस 4I2। अब इसकी बात करते हैं, अच्छा इसमें पूरा तो क्लॉकवाइज करंट हो गया, तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है I2 प्लस I3 है और इसमें जो रेजिस्टेंस है इसका 2 है, तो यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 2 इंटू I2 प्लस I3 हो जाएगा बराबर क्या बेटा 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, I1 प्लस 4I2 और I2 5I2 सॉरी 2 से इंटू करोगे तो 2I2 जमा 4I2 कितना हो जाएगा 6I2 हो जाएगा ठीक है, प्लस में 2I3 बराबर 0 बराबर 10 नॉट 0 10, ये हो गया पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी ठीक है, अगेन यहां पे इस बैटरी को उठा लेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा ट्रैवर्स की डायरेक्शन में तो माइनस 10 ठीक है, इसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा प्लस में I1 हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा करेंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स डायरेक्शन ट्रैवर्स लेट कर रखा है ठीक है, तो यहां पे 4I1 4 इंटू I1 माइनस I2 हो जाएगा ठीक है, और यहां पे
करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या ले रखा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स ले रखा है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इस तरीके से है। तो भाई इसमें जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव 2i2 प्लस i3 माइनस i1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, इस तरीके से होगा। टेन वहां जाके 0 हो गया बेटा। सो i1 प्लस 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3 प्लस 2i1 बराबर 10। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, i1 प्लस 4i1 5i1 प्लस 2i1 यानी 7i1 हो जाएगा। ओके, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6i2 हो जाएगा और प्लस माइनस में 2i3 बराबर 10। लेट्स से इट इज सेकंड इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट डायरेक्शन में मैं जो कंसीडर करूंगा वो है बड़ा वाला लूप लेट करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बोला हटके करेंगे, थोड़ा डिफरेंट रखेंगे चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो हमने ये वाला लूप लाइट कर लिया बड़ा वाला, ठीक है, जो बड़ा वाला उसको हमने लाइट कर लिया यहां पे। तो क्या आ जाएगा, वैसे तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, चलो छोड़ो इसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, पाथ ऑफ ट्रेवर्स लाइट कर लेंगे, पाथ को ट्रेवर्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको हम लूप 3 कहते हैं, 1, 2 and 3 हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पे जो हमारे पास किरचॉफ्स लूप लॉ लगाओगे इस वाले केस में, तो यहां से इस बैटरी को पकड़ते हैं माइनस फाइव हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां पे करंट जा रहा है i2 प्लस i3, ट्रेवर्स की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस में 2 में i2 प्लस i3 हो जाएगा। ओके, इसमें भी सेम उतना ही सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी कि प्लस में 2 में i2 प्लस i3 माइनस i1 बराबर 0 हो जाएगा। लेट सॉल्व दिस, यानी 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 बराबर क्या हो गया 5। लेट सॉल्व दिस, 2 और 2 4 यानी कि माइनस 2i1 प्लस में 4i2 प्लस में 4i3 बराबर क्या हो जाएगा 5। लेट से इट इज 3rd इक्वेशन। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, i1 i2 और i3 फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं 2 से इंटू कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको 2 से करोगे तो 2i1 प्लस 12i2 प्लस 4i3 बराबर 20। फर्स्ट वाले को 2 से इंटू किया और यहां पे लिख दिया, इसको आप ऐड कर लो, ऐड करो कितना आ जाएगा, दोनों को कट गया ये, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16i2 जमा में 8i3 इज इक्वल टू 25। लेट्स से इट इज 4th इक्वेशन, ठीक है, ये कट जाएगा दोनों इस तरीके से, साइन चेंज नहीं होगा इसमें। अब आगे हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी लिटिल बिट टफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम इसको यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 से इंटू कर देंगे और दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो जब मैं इसको 2 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा 14i1 माइनस 12i2 माइनस 4i3 बराबर 20 हो जाएगा। जब इसको मैं 2 से इंटू करूंगा 14, 12 और 4 हो जाएगा, और मैं इसको 7 से इंटू करूंगा तो माइनस 14i1 प्लस 28i2 प्लस 28i3 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कट गया ये दोनों, माइनस 12 जमा 28 कितना हो जाएगा 16i2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16i2, और ये आ जाएगा कितना यहाँ पे, ये आ जाएगा 24i3 इज इक्वल टू 55, ठीक है। लेट्स से इट इज 5, क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इन दोनों को सॉल्व, इनको एक साथ लिख देते हैं, 16i2 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 25 भाई, माइनस 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 कट गया ये, 24 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 16i3 आ जाएगा बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3 बचा, और ये 8 पे कटा ये 15 पे, तो i3 कितना आ गया भाई
15/8 एम्पियर, कितना आ जाएगा 15/8 एम्पियर। अब इसी को आप इसमें पुट कर दो, I2 निकाल लो, 16 I2 + 24 × 15/8 = 55, 8 + 24 = 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 I2 =, यहां लिख रहा हूं भाई 15 से 45, वहां जाके घटा दो 55 - 45 हो जाएगा, तो I2 आ जाएगा 10/16 यानी 5/8 एम्पियर, ये हमारे पास I2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, I1 निकालेंगे, I1 के लिए इसमें पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे थर्ड में पुट कर दो। तो लेट से हम इस फर्स्ट इस वाले उठा लेते हैं, फर्स्ट वाले को, तो I1 + 6 × I2 5/8 है, ठीक है, और प्लस में 2 I3 कितना है हमारे पास, दैट इज 15/8, ओके। और ये किसके बराबर है, ये है 10 के बराबर, बराबर 10। सॉल्व करो यहाँ पे, तो I1 प्लस में 30 + 30 = 60, 60 वहां जाके माइनस कर दो, 10 - 60/8, ठीक है, 80 - 60/8, तो I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 20/8, यानी कि I1 हमारे पास आ जाएगा 2 पे कट जाएगा और 5 पे ये, यानी कि 5/2 एम्पियर, ओके। तो ये हमारे पास आंसर है पूरा इस सवाल का, हमें क्या निकालना था, ईच ब्रांच में कितना करेंट फ्लो होगा। हालांकि सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको क्या निकालना है, आई वन माइनस आई टू, इनको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तब आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं इनका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि I1 + I2 + I3 कितना आ रहा है, I1 - I2 कितना आ रहा है। वैसे निकालना चाहते यही निकाल लो, इस वाले ब्रांच में जो करेंट होगा I1 - I2 यानी 20/8 में से 5/8 घटा दो, 20 में से 5 गया तो 15 15/8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में कितना हो जाएगा, I2 प्लस में I3, I2 इज 5/8, I3 इज 15/8, 20/8 और माइनस में 20/8, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया भाई, भाई 5 और 15 20 बिल्कुल जीरो हो गया भाई, I2 प्लस I3 माइनस I1 इज जीरो, इसमें कोई करेंट नहीं है। और इसमें I2 प्लस में I3 यानी 20/8 इसमें आ जाएगा 20/8 एम्पियर। तो आप ऐसे बाकी करेंट कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी के साथ ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, और आज की क्लास भी यहीं तक है। तो देखो भाई ये लेक्चर तो यहीं तक है, इसके बाद हमारे पास रह जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक, वो डिस्कस करेंगे, और इसी में मैं पावर डिसिपेटेड वाला कराऊंगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझाऊंगा। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए और पढ़ाई करते रहो, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते जो, और रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।